बच्चों आज मैं पढ़ाने वाली हूँ तुमको पार्ट 7 जिसका नाम है कर्म। तो बच्चों बुरे कर्म हमें करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, हमें करने पड़ते हैं। टीचर मैं अंदर आ सकती हूँ? लेट आई थी, डेली की डेली लेट आती है। हाँ ये तेरा घर है, स्कूल जब चाहे मन तब आ जाते हो। आज तो मैं तुझे बिठा लेती, लेकिन अगर तू कल लेट आए ना तो क्लास में अंदर नहीं आने दूंगी। हाँ चलो बैठ जाओ, यहाँ से बैठो अपनी जगह पे। अपने के लिए हमें कुछ भी। देखो भाई, ए भाई बड़ी चल लड़की। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। आज फिर नहीं आई वो लड़की? आने दो, अभी देखती हूँ उसको। अच्छा तो ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8, उसका नाम है ईमानदारी। क्या? ईमानदारी। तो बच्चों जीवन में सफल होने के लिए सत्यनिष्ठा और ईमानदारी होना बहुत जरूरी होता है। यस मैम। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो आ गई फटीचर। तो फिर लेट आ गई आज। हाँ तुझसे कितनी बार कहा है स्कूल में टाइम से आया कर, समझ में क्यों नहीं आता? और ये क्या पहन कर आई है, क्या हाल बना रखा है अपना? हाँ तुझे कितनी बार कहा ये स्कूल है, यहाँ पे ढंग से आया था, ये तेरा घर नहीं है जो चाय से उठकर चले आओ। बस बहुत हुआ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इधर आ, इधर आ। आज तू बहुत पिटेगी, हमेशा लेट आती है, हमेशा लेट आती है, हमेशा लेट आती है, हमेशा 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 लेट आती है, हमेशा लेट आती है। चल अब जा यहाँ से, जा क्लास से बाहर। और सुन इधर आ, हाथ दिखाओ अपने। कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये स्कूल है, जब चाहे तेरा मन, तू हमेशा की हमेशा लेट आती है स्कूल में। एक भी दिन ऐसा नहीं तू जल्दी आई हो स्कूल में। हाँ कल से बिल्कुल जरूरत नहीं है तुझे स्कूल आने की, ना ही तुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत है। आ मत जाना कल से स्कूल में, आ मत जाना कल से स्कूल में, चल जा जा यहाँ से जा। अरे ये छाया यहाँ पर क्या कर रही है? देख कर आती हूँ एक बार। छाया किसके घर में घुस रही है? मैंने इसको आज बहुत मारा था स्कूल में, पता नहीं ये कुछ गलत काम ना कर बैठे। मुझे जाके देखना चाहिए आखिर ये जा कहाँ रही है। कपड़े तो इतने फटे पुराने पहनती है ये इतना बड़ा घर इसका तो हो नहीं सकता। देखकर आती हूँ जरूर आखिर बात क्या है, जाना चाहिए। और डंग बिगड़ गए हैं, रोज की रोज स्कूल का बहाना लेके यहाँ से चली जाती है। मालकिन कुछ खाने दे दो। चल घर के झाड़ू पोंछा कर, फिर खाने को दूंगी तुझे। मुझे खाना दे दो। सुन मेरे घर में एक ही रोटी बची थी, अब चल यहाँ से निकल, जा यहाँ से। अरे ये छाया इधर क्यों जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ये रोटी किसको देने जा रही है? जाकर देखना पड़ेगा, देखकर आती हूँ।
छाया मुझे माफ कर दो छाया, अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी। आज से तुम्हें पढ़ाने लिखाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है छाया। तुम बहुत महान हो, तुम बहुत अच्छी हो छाया। छाया छाया मुझे माफ कर दो। अब मुझे मारोगी तो नहीं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं मारूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से ना तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी सारी पूरी मेरी है छाया। मैंने तुम्हें स्कूल में बहुत परेशान किया है, तुम्हें बहुत मारा है छाया। मुझे इसका एहसास हो गया है छाया। मैं तुम्हें ना बहुत गलत समझती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आज आंखें खुल गई हैं छाया। मुझे माफ कर देना छाया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं ना तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हारी सारी देखरेख सिर्फ मैं ही करूंगी छाया। तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ छाया। तुम दोनों को आज से पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी है छाया। अब तुम दोनों अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइब करवा दीजिए। हेलो दोस्तों। हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय। और हमें कमेंट में ये भी बताएं हम तुम्हें वैसे किसकी एक्टिंग अच्छी लगी है। कपिल बोल रहे आप हम भी कहते हैं। अभी तो मैंने थे पागल, तुमने आते हम तो यही कह रहे सब। अच्छा जिसने मेन रोल किया है उसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम बताओ। बताओ निखिल प्रजापति। छाया प्रजापति। तो कौन पूछ रहा है? मम्मी को बदले करेंगे। नाम बताओ आपका। छाया प्रजापति। आपका? मुस्कान प्रजापति। जोर से बोलो थोड़ा। मुस्कान प्रजापति। आपने किसका रोल किया वीडियो में? बहन का। चलिए तो फ्रेंड्स को बाय करिए सब लोग। बाय फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।